हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में सेंट्री फ्यूज मीन्स बायोलॉजिकल टूल्स एंड टेक्निक्स में आज हमारा चैप्टर है सेंट्री फ्यूज आज हम इनके बारे में स्टडी करेंगे इसके पहले की वीडियो में हम पीएच मीटर क्लोरी मीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर माइक्रोटोम एंड माइक्रोटोमी इनके बारे में स्टडी किए हैं अगर आपको इनके बारे में स्टडी करनी हो तो आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं सेंट्री दी सेंट्रीप्यूज इज अ काइंड ऑफ इक्वमेंट और डिवाइस और टूल विच इज़ मैनली यूज फॉर दि सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्राम अर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू देअर सेप साइज टेंसिटी और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड मीनस सेंड्रीप्यूज एक ऐसा डिवाइस है एक ऐसा इक्ुपमेंट एक एक है एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से हम सोल्यूशन से कोई पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं सपोज करिए कि हमारे पास ब्लड है उससे हमें प्लाज्मा को सेपरेट करना है तो उसके लिए हम सेंड्रप्यूज डिवाइस का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू देअर सेप साइस टेंसिटी और विस्कॉसिटी ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड्स सेंट्री फ्यूज इस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा सोल्यूशन है जिस पार्टिकल्स को हमें सेपरेट करना है उनका सेप कैसा है साइज कैसा है डेंसिटी कैसा है विस्कॉसिटी कितना है ऑफ द मीडियम एंड रोटर स्पीड्स मीन्स यह सभी कंडीशन इन्वॉल्व होता है सेंट्री फ्यूज के वर्किंग प्रोसेस में सेंट्री फ्यूज इच आर डिवाइस डेट सेपरेट पार्टिकल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन थ्रू यूज ऑफ अ रोटर मीन्स सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम रोटर या फिर मोटर लगाते हैं जिसकी हेल्प से हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं सोल्यूशन से इन बायोलॉजी द पार्टिकल्स आर यूजअली सेल्स सब सेलुलर ऑर्गेनल्स और लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑल ऑफ विच आर रिफर्ड टू एज पार्टिकल्स मीन्स बायोलॉजी के फील्ड में हम ऐसे सोल्यूशन को यूज करते हैं जिसमें हमको सेल्स को सेपरेट करना रहता है सब सेलर ऑर्गेनल्स को सेपरेट करना रहता है मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल्स हम इसको सेपरेट करने के लिए सोल्यूशन से सेंट्रीफ्यूज डिवाइस का यूज करते हैं बायोलॉजी के फील्ड में सेंट्रीफ्यूज डिवाइस एक बहुत यूजफुल टेक्निक है इस टेक्निक को हम बोलते हैं सेंट्रप्यूएशन डैट मीन्स बायोलॉजी के फील्ड में सेंट्रीफ्यूज एक बहुत यूजफुल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं और इस टेक्निक्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूज एक डिवाइस है बट जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है या टेक्निक है मीन्स किस तरीके से हम सेंट्रीफ्यूज डिवाइस को यूज कर रहे हैं क्या प्रोसेस है इनका टेक्निक्स क्या है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन एंड टेक्निक्स ऑफ यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज़ नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूज को क्या टेक्निक है किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं उस टेक्निक्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफिकेशन मीन्स सेंट्रीफिकेशन का क्या प्रिंसिपल है मीन्स इनका क्या सिद्धांत है किस तरीके से सेपरेट होते हैं अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे असेंट्रीफ्यूज इज़ वर्किंग ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स सब्सटेंस सेपरेट अकॉर्डिंग टू देअर डेंसिटी डैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन मीन्स जो सेंट्रीफ्यूज डिवाइस होता है यह इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स डैट डैट मीन्स सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिस पर हम रोटर या फिर मोटर की हेल्प से उस पर फोर्स लगाते हैं जिनको हम बोलेंगे सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जब उस पर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल्स डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट होते हैं डैट मीन्स वे ना मिक्सर इज रोटेटेड वेरी फास्ट the denser पार्टिकल्स आर forced to गो to the बॉटम ऑफ the एंड द लाइटर पार्टिकल स्टे stay द टॉप top that मीन्स हम रोटर की हेल्प से हम सेंट्रीप्यूज डिवाइस में जो हमारा मिक्सर है मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है जो हमारा सैंपल है उसको हम रोटर की हेल्प से बहुत हाई स्पीड में रोटेट करते हैं जब हम रोटेट करते हैं मीन्स कुछ टिपने टाइम के लिए मीन्स उस पर हम टाइम फिक्स किए रहते हैं उतने टाइम तक हम अपने मिक्सचर को जो हम सैंपल ट्यूब में सैंपल होल्डर में पुट करते हैं उसको हम रोटर या फिर मोटर की वजह से बहुत हाई स्पीड देते हैं जिनको बोलेंगे सेंट्री फ्यूगल फोर्स जो इक्वल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा हाई स्पीड होगा उतना ही अच्छा हमारा उसमें सल्यूशन जो है उससे हमारा पार्टिकल सेपरेट होगा तो उसमें क्या होता है जो पार्टिकल्स सोल्यूशन में जो पार्टिकल डेंसर पार्टिकल्स है मीन्स जिसकी साइड बहुत ज़्यादा है वो पार्टिकल्स बॉटम में आएंगे और जो पार्टिकल्स स्मॉल सेप में हैं मीन्स लाइटर पार्टिकल्स हैं वो टॉप में जाएंगे सल्यूशन में और जिस पार्टिकल की साइज लाइटर पार्टिकल्स हैं मीन्स जिस पार्टिकल की साइज स्मॉल है और वो लाइट में मीन्स बहुत हल्के हैं वो पार्टिकल्स टॉप में जाएंगे मीन्स जो हमारा मिक्सचर है जिस ट्यूब में हमारा उसमें सोल्यूशन है वो जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो टॉप पर जाएंगे और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे बॉटम में आएंगे और जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में आएंगे इसी के बेसिस पर हम सैंपल से पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं क्योंकि लाइटर पार्टिकल्स टॉप पर आ जाएंगे और डेंसर पार्टिकल्स बॉटम में आ जाएंगे यही हमारा प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगेशन का डैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन हम क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूज डिवाइस पर रोटर या मोटर की हेल्प से हम उस पर एक फोर्स जनरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा मिक्सर है उसको रोटेट करेगा वेरी फास्ट मीन्स रोटेट करेगा बहुत हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो उससे क्या होगा जो हमारा डेंसर पार्टिकल्स होगा सोल्यूशन में वो क्या होगा वो फोर्स्ड होगा कि बॉटम की ओर आए और जो लाइटर पार्टिकल्स होगा वो टॉप पर जाएगा सैंपल सोल्यूशन में तो इस इससे क्या होगा कि हम पार्टिकल्स को उसके डेंसिटी के बेसिस पर मीन्स उसके सेप साइज डेंसिटी विस्कोसिटी इसके बेसिस पर एंड रोटर की क्या स्पीड है इसके बेसिस पर हम सेंट्रीफ्यूगेशन में अपने सैंपल से मीन्स सॉल्यूशन से पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं यही हमारा है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इसी के बेसिस पर हम पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे सैंपल सॉल्यूशन से यह इमेज एक टिपिकल सेंट्रीफ्यूज का है मीन्स टिपिकल सेंट्रीफ्यूज डैट मीन्स जो कॉमन सेंट्रीफ्यूज होता है किस तरीके से होता है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम उनके बारे में स्टडी करेंगे अब स्ट्रक्चरली अ टिपिकल सेंट्रीफ्यूज कंप्राइज फॉलोइंग कंपोनेंट डैट मीन्स जो एक कॉमन सेंट्री फ्यूज होगा ये सभी कंपोनेंट को कंजेस्ट करता है मींस उनके भी सेंट्री फ्यूज डिवाइस में ये सभी कंपोनेंट पाए जाएंगे तो हम एक एक करके इन सभी कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे तो ये जो डिवाइस है ये है सेंट्री फ्यूज और इसको कवर किया है जिसको हम बोलेंगे कवर डैट मीन्स कवर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको कवर करता है और इसमें लिड पाया जाता है मीन्स ये ढक्कन है जिसको हम ओपन करेंगे जिसमें हमारा डिवाइस सेंट्रीफ्यूज रहता है और ये जो साइड में है ये होगा कवर कवर प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे डिवाइस सेंट्रीफ्यूज को इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है डैट इज़ हेड हेड एक रिवॉल्विंग डिस्क है जिसमें हमारा सैंपल होल्डर रहता है साइड साइड में मीन्स पेरी में ये हमारा सैंपल होल्डर रहता है जिसमें हम अपने सैंपल ट्यूब को रखते हैं और क्या करते हैं कि ये रॉड से मीन्स जो हेड है दैट मीन्स ये जो हेड है ये रॉड से कनेक्ट है जिसमें हमारा सैंपल होल्डर रहेगा साइड में मीन्स पेरीफरी में उसमें क्या होगा हम सैंपल ट्यूब को रखेंगे और इसको हम रोटर की हेल्प से रोटर की हेल्प से ये जो रोटर है रोटर की हेल्प से हम हेड को मूव कराते हैं जिससे हमारा सैंपल में जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होते हैं क्योंकि ये पूरा हेड जब मूव होगा तो इसके साथ हमारा सैंपल ट्यूब मूव होगा तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स अपनी डेंसिटी की बेसिस पर मीन्स सेप साइज की बेसिस पर सेपरेट होंगे जो लाइट पार्टिकल्स होंगे वो टॉप में जाएंगे डैट मीन्स जो लाइट पार्टिकल्स हैं वो टॉप में जाएंगे और जो पार्टिकल्स डेंसर पार्टिकल्स हैं जिनकी साइज बहुत ज़्यादा और मीन्स हैवी पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में आएंगे इसी की बेसिस पर डैट मीन्स सेडिमेंटेशन डैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन के बेसिस पर हम अपने पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में हेड के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है सैम्पल ट्यूब डैट मीन्स जो सैंपल होल्डर है इसमें हम अपने सैंपल ट्यूब को रखते हैं जो ग्लास से या फिर फाइबर से फॉर्म हुए रहते हैं सैंपल ट्यूब में ऐसा मिक्सचर होता है मींस ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं उसको हम सैंपल ट्यूब में प्लेस करेंगे उसके बाद हम सैंपल होल्डर में जो हेड में प्रेजेंट हमारा पेरी में मीन्स साइड साइड में जो हमारा सैंपल होल्डर प्रेजेंट है उसमें हम सैंपल ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं सैंपल ट्यूब के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है डैट इज रॉड यह हमारा रॉड है डैट मीन्स ये जो फिगर में ये जो है ये रॉड है रॉड कनेक्ट है हेड से और रोटर से मीन्स ये इंटर कनेक्ट है मीन्स ये क्या करता है कि हमारे हेड को रोटर से कनेक्ट करने का काम करता है डैट मीन्स यहाँ से क्या होता है कि रोटर एक स्पीड को जनरेट करता है जिसकी हेल्प से ये हेड को मूव कराता है रॉड रॉड के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है डेट इज रोटर या फिर मोटर दी रोटर इज अ पावरफुल हाई स्पीड मोटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंगुलर ब्लास्टी ऑन रोटेशन मीन्स रोटर एक ऐसा पावरफुल हाई स्पीड का मोटर है जिसकी हेल्प से हम सेंट्रीफिकेशन में एक एंगुलर ब्लास्टी या फिर रोटेशन को जनरेट करते हैं जब इसमें रोटेशन जनरेट होता है तो ये हेड मूव कर दे करेगा और जब मूव होगा तो इससे हमारा सैंपल सोल्यूशन भी मूव होगा उससे क्या होगा कि पार्टिकल्स अपने सेप साइज डेंसिटी के बेसिस पर सेपरेट होंगे ये काम रोटर करता है मीन्स हाई स्पीड मीन्स पावरफुल हाई स्पीड मोटर होता है जिसका यूज होता है रोटेशन करने में मीन्स एंगुलर वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने में हम रोटर या फिर मोटर का यूज करते हैं सैंपल ट्यूब को ही सेंट्रफ्यूगल ट्यूब भी बोलते हैं मीन्स ये हमारा सैंपल होल्डर है जिसमें हम सैंपल ट्यूब को इंसर्ट करेंगे जिसको हमें मिक्सर को मीन्स जिस सॉल्यूशन को हमें सेपरेट करना है उसको हम पहले सैंपल ट्यूब में फिल करेंगे उसके बाद जब हम सैंपल ट्यूब में फिल कर लिए तो हम लिड को ओपन करेंगे उसके बाद हम सैंपल होल्डर में अपने सैंपल ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज फ्यूज इज़ कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल क्या क्या कंजेस्ट करता है मीन्स की डिफरेंट काइंड को स्विचेस को कंजेस्ट करता है जिसको हम रेगुलेट करते हैं अपने सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में इसमें होगा हमारा पावर सप्लाई ऑन ऑफ स्विचेस और रोटर में मीन्स रेगुलेटिंग करने के लिए मीन्स रोटर को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारी सुजिज़ को हम यूज़ करते हैं ये हमारा कंट्रोल पैनल इसमें क्या होता है कि इस डिवाइस में हम सबसे पहले तो सेंट्री फ्यूजल ट्यूब डैट मीन्स जो हमारा सैम्पल ट्यूब है इसको हम लेंगे उसमें हम क्या करेंगे कि जिस सोल्यूशन को हमें सेपरेट करना है मीन्स जिस सोल्यूशन से हमें पार्टिकल्स को सेपरेट करना है उसको हम उसमें फिल करेंगे फिल करने के बाद हम लिड को ओपन करेंगे और सेंट्र फ्यूजल ट्यूब या फिर सैंपल ट्यूब को हम प्लेस करेंगे सैंपल होल्डर में उसके बाद हम इस लिड को कवर कर देंगे मीन्स इसको हम बंद कर देंगे क्लोज कर देंगे क्लोज करने के बाद हम इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे रोटर की हेल्प से हम अपना मीन्स आर पी किस स्पीड में हम इसको चाहते हैं कि मूव रिवॉल्व करे रोटेट करे इसको हम फिक्स करेंगे और इसमें कितने टाइम पीरियड तक हम चाहते हैं मूव हो हमारा पार्टिकल सेपरेट हो और इसकी क्या हाई स्पीड हो रोटर की या फिर मोटर की इसको हम सब फिक्स करने के बाद इसको हम ऑन कर देंगे और इसको उतने टाइम के लिए हम छोड़ देंगे और जितने टाइम को हमने इसका डिफिनट पीरियड ऑफ टाइम रखा है उसके बाद हम इसको आकर चेक करेंगे कि हमारा सैंपल जो हमारा सोल्यूशन है इससे हमारा पार्टिकल सेपरेट हुआ नहीं यही इस डिवाइस डैट मीन्स सेंट्रिक यूज जो डिवाइस है टेक्निक्स है और जो टूल है इसको किस तरीके से सेपरेट करते हैं इनका यही वर्किंग मेथड भी है मीन्स ये प्रिंसिपल ऑफ सिडीमेंटेशन के सिद्धांत पर ये सेपरेट होते हैं यही पूरा प्रोसेस है सेंट्रिफ्यूशन में इनका क्या वर्किंग होता है इसी बेसिस पर ये अपने पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं सॉल्यूशन से हम अब यह देखते हैं कि हमने जो सेंट्रिफ्यूज डिवाइस का कंपोनेंट के बारे में स्टडी किया इमेज में हम इनमें क्या क्या लिखेंगे किस तरीके से नोट करेंगे हम अब इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट कंपोनेंट डेट इज़ कवर प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ लिड दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा डिवाइस है सेंट्री फ्यूज इसको कवर की रिक्वायरमेंट होती है जिसकी हेल्प से हम सेंट्री फ्यूज डिवाइस को कवर करते हैं और इसमें साथ में लीड होता है लीड से हम ओपन या क्लोज करके अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करते, है, करते हैं मीन सेव करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट डेट इज़ हेड आर रिवॉल्विंग डिस्क कंटेनिंग सैम्पल होल्डर ऑन फेरी फेरी एंड एडजस्टेड ऑन रॉड इज कॉल्ड हेड डेट मीन्स हेड एक रिवॉल्विंग डिस्क है जब हम रोटर की हेल्प से इसको मूव करना चाहते हैं तो ये रोटेट होगा मीन्स रिवॉल्व होगा जिसमें साइड में हमारा सैम्पल होल्डर होगा मीन्स पैरी में साइड साइड किनारे में हमारा सैम्पल होल्डर होगा और जब ये हेड मूव होगा तो साथ साथ में हमारा सैम्पल होल्डर मूव होगा जिसकी हेल्प से मीन्स डेंसिटी की बेसिस पर शेप और साइज के बेसिस पर हमारा सैंपल इसमें क्या होगा सेपरेट होगा सॉल्यूशन से एडजस्टेड ऑन रॉड मीन्स जो हेड होता है वो रॉड पर एडजस्ट होगा इसी की हेल्प से मीन्स जो रॉड होगा सपोर्ट करता है हेड को थर्ड कंपोनेंट दैट इज सैम्पल ट्यूब ट्यूब ऑफ ग्लास और फाइबर्स यूज फॉर कीपिंग सैम्पल्स टू बी सेपरेटेड दैट मीन्स जो हमारा सैम्पल ट्यूब है जिसको हम बोलेंगे सेंट्रिक मिगल ट्यूब या ग्लास से फॉर्म होता है या फिर फाइबर से जिसमें हम अपने सैम्पल जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं इसमें हम फिल करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट डेट इज़ रॉड आयरन रॉड इंटरकनेक्ट मोटर और रोटर एंड हेड मीन्स रॉड एक ऐसा कंपोनेंट है सेंट्रल फ्यूज में जो रोटर और हेड को कनेक्ट करता है आपस में मीन्स इंटरकनेक्ट नेक्स्ट कंपोनेंट डेट इज़ रोटर और मोटर द रोटर इज अ पावरफुल हाई स्पीड मोटर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग एंगुलर ब्लास्ट और रोटेशन मीन्स रोटर या फिर मोटर एक ऐसा कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूज में जो एक पावरफुल हाई स्पीड जनरेट करता है मीन्स या रोटेशन करने के लिए एक पावरफुल हाई स्पीड को जनरेट करेगा जिससे क्या होगा कि एंगुलर बिलासटी जनरेट होगा जिससे head, head हमारा हेड जो हेड हमारा डिस्क है जिसमें हमारा सैंपल ट्यूब या फिर पेरीफिलर ट्यूब सैंपल होल्डर में इंसर्ट किया गया है वह क्या होगा रोटेट करेगा जिससे हमारा सैंपल सोल्यूशन सेपरेट होगा नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज़ लास्ट कंपोनेंट ऑफ सेंट्रिफ यूज दैट इज़ कंट्रोल पैनल द कंट्रोल पैनल कंटेन स्विचेस फॉर रेगुलेटिंग मोटर और ऑन ऑफ एक्सेट्रा मीन्स जो कंट्रोल पैनल होता है ऐसे स्विचेस को कंटेन करता है जिससे हम मोटर को रेगुलेट करते हैं दैट इज रेगुलेटिंग मोटर और ऑन ऑफ स्विचेस एक्सेट्रा वर्किंग ऑफ आ सेंट्रीफ्यूज दैट मीन्स सेंट्रीफ्यूज किस तरीके से काम कैसे करता है इनका वर्क कैसे होता है हम अब इनके बारे में स्टडी करेंगे इसी टेक्निक्स को हम बोलते हैं सेंट्रिफिकेशन फॉलोइंग स्टेप्स मस्ट बी इसेंशियल फॉर सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस डैट मीन्स सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए ये सभी फॉलोइंग स्टेप इसेंशियल होते हैं फर्स्ट स्टेप डैट इज प्रिप्रेशन ऑफ होमोजिनेट ऑफ पर्टिकुलरट मैटर हमें सबसे पहले तो होमोजिनेट मीन्स होमोजिनेट मिक्सर को प्रिपेयर करना होगा सेकेंड स्टेप डैट इज़ पोर दी सैम्पल होमोजिनेट ऑफ पर्टिकुलरट मैटर इन टू सैंपल ट्यूब विथ स्लेटर ऑन कीप इंटू सैम्पल होल्डर ऑफ एट डैट मीन्स जब हमने पार्टिकुलेट मीन्स होमोजिनेट पार्टिकुलेट मैटर को प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम उसको सैंपल ट्यूब या फिर सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में पोर करना होगा उसके बाद हम उसको क्या करेंगे जो हमारा सैंपल होल्डर है सेंट्रीफ्यूज डिवाइस में जो उसका हेड है जिसमें सैंपल होल्डर पेरी साइड साइड में है उसमें हम सैंपल ट्यूब को डैट मीन्स सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब को हम इंसर्ट कर देंगे ये था हमारा सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप डैट इज़ क्लोज दिलीट सेट द स्पीड ऑफ मोटर एंड स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट फॉर अ डिफिनिट टाइम पीरियड थर्ड स्टेप में हम जब हमने सैंपल ट्यूब को सैंपल होल्डर में इंसर्ट कर दिया उसके बाद हम लिड को क्लोज कर देंगे उसके बाद हम मोटर या फिर रोटर की स्पीड को फिक्स करेंगे उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन कर देंगे फॉर अ डिफिनिट टाइम पीरियड लास्ट वर्किंग स्टेप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन दैट इज फाइंड आउट सेपरेटेड मटेरियल्स एंड एग्जामिन केयरफुली मीन्स जब हमने टिकनेट पीरियड तक अपने सैम्पल ट्यूब को सैम्पल होल्डर में इंसर्ट किया उसके बाद हमने रोटर को ऑन किया उसके बाद हमें लिड को ओपन करना है और अपने मटेरियल सेपरेटेड मटेरियल्स को फाइंड आउट करना है और हमें उसको एग्जामिन करना है केयरफुली दैट मीन्स सबसे पहले तो हमें होमोजेनेट को पार्टिकुलेट मेटर का होमोजेनेट हमें प्रिपेयर करना होगा उसके बाद हम सेंट्रिक ट्यूब या फिर सैम्पल ट्यूब में उसको पोर करेंगे उसके बाद हम सैंपल होल्डर में मीन्स लिड को ओपन करेंगे सैंपल होल्डर में हम उसको इंसर्ट करेंगे सेंट्रिक ट्यूब को उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम लिड को कवर कर देंगे कवर करने के बाद हम रोटर या फिर मोटर की स्पीड को सेट करेंगे उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे फॉर अ डिफने टाइम पीरियड डिपनेट टाइम पीरियड तक हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद हमें अपने सेपरेटेड मटेरियल्स को फाइंड आउट करना है और उसका एग्जामिन करना है केयरफुली ये था हमारा पूरा स्टेप वर्किंग मेथड ऑफ सेंट्री फ्यूज यूज ऑफ सेंट्री फ्यूज वर्किंग मेथड के बाद अब हम यह देखते हैं कि सेंट्री फ्यूज का क्या क्या यूज है क्या क्या सिग्निफिकेंस है अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट यूज दैट इज सेंट्री फ्यूज यूज इन दी बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री लेबोरेट्री फॉर आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम सस्पेंशन दैट मीन्स जो सेंट्री फ्यूज डिवाइस है इसका यूज हम बायोलॉजी केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री की फील्ड में करते हैं सस्पेंशन से पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट यूज डेट इज सेंट्री फ्यूज इज़ यूज इन दी पैथोलॉजी सेंटर फॉर दी सेपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स डैट मीन्स सेंट्री फ्यूज डिवाइस का यूज हम पैथोलॉजी की फील्ड में जहाँ पर अगर हमें ब्लड से कंपोनेंट को सेपरेट करना है डेट इज प्रोटीन्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स डेट इज आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए भी हम सेंट्रीफ्यूज डिवाइस का यूज करते हैं मीन्स पैथोलॉजिकल फील्ड में सेंट्रीफ्यूज डिवाइस का बहुत हायर लेवल पर यूज किया जाता है नेक्स्ट यूज डेट इज लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूज इज कॉमनली यूज इन दी वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट रिजल्ट ड्राई प्रोडक्ट इज कॉल्ड केक एंड वाटर इज कॉल्ड सेंट्रेट डेट मीन्स वेस्ट मटेरियल से जो हमारा ड्राई प्रोडक्ट है मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट आएगा उस वाटर से उसको हम बोलेंगे केक और जो हमारा वाटर उससे प्योरीफाई हुआ मीन्स जो वाटर फिल्टर हुआ उसको हम बोलेंगे सेंट्रेट मीन्स जो सेंट्री प्यूज है लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्री प्यूज यूज होता है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में मीन्स वाटर को क्लीन करने के ट्रीटमेंट में हम लार्ज इंडस्ट्रियल सेंट्री को यूज़ करते हैं जहाँ पर रिजल्ट में जो ड्राई प्रोडक्ट मीन्स जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो सॉलिड प्रोडक्ट वेस्ट है उसको हम बोलेंगे केक और जो उससे हमारा वाटर फिल्टर हुआ मीन्स वाटर प्योरीफाई हुआ उसको हम बोलेंगे सेंट्रेट नेक्स्ट यूज डेट इज सेंट्री फ्यूज इज़ यूज इन दी डेयरी इंडस्ट्री फॉर सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क मीन्स डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क से क्रीम को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्री फ्यूज डिवाइस का यूज करते हैं नेक्स्ट यूज डैट इज इन शुगर इंडस्ट्री सेंट्री फ्यूज इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ शुगर क्रिस्टल्स फ्रॉम मदर लिक्वर डैट मीन्स शुगर इंडस्ट्री में सेंट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है मदर लिग पर से शुगर क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के लिए यह था हमारा सेंट्रीफ्यूज डिवाइस का यूज मीन्स बहुत सारे फील्ड में सेंट्री डिवाइस का यूज किया जाता है आज हमने इस वीडियो में सेंट्रीफ्यूज का डिफनिशन इनका इंट्रोडक्शन सेंट्रिफिकेशन की टेक्निक इनके बारे में स्टडी किया मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रिफिकेशन टिपिकल मीन्स जो कॉमन सेंट्रीफ्यूज होता है हमने इनका स्ट्रक्चर इनका कंपोनेंट इन इनके बारे में स्टडी किया और वर्किंग मेथड ऑफ़ सेंट्रीफ्यूज इनके बारे में स्टडी किया मीन्स क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं सेंट्रीफ्यूज का इनके बारे में एंड यूज ऑफ सेंट्रीफ्यूज अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए